पाचन क्या है, मतलब पाचन वो होती है सीखने की क्रिया है, सुस्पष्ट ज्ञान को पाचन कहते हैं। वाचन एक कला है जिसे स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से बोला जा सकता है। बिना वाचन के कोई भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है, ना ही कहानीकार बन सकता है। वाचन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, नंबर एक सस्वर वाचन, नंबर दो मौन वाचन। सस्वर वाचन में स्वर सहित बोले जाने वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। इसमें सस्वर वाचन को दो तरीका से पढ़ा जाता है, नंबर एक आदर्श वाचन, नंबर दो अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वह वाचन होता है जिसमें अध्यापक जो वह वाचन आदर्श वाचन वह क्रिया है जिसमें अध्यापक वाचन की क्रिया करता है जो बच्चों के लिए लाभकारी होता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन में बालक अनुकरण वाचन वह वाचन होता है जो बालक द्वारा बोला जाता है। अनुकरण वाचन दो प्रकार से होता है, नंबर एक व्यक्तिगत वाचन, नंबर दो समयगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन में वह होता है जो एक अकेला व्यक्ति या अकेला बालक किसी गीत या संगीत को बोलता है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति जोर से या धीमी गति से वाचन क्रिया करता है। नंबर दो समयगत, समयगत में बच्चे समूह के रूप में बोलते हैं, उसे समयगत वाचन कहते हैं। मौन वाचन वह होता है जो कौन सा वाचन कहते हैं, समय देखो क्या लिखा है, समय फिर और तुमने संवेद लिखा है, संवेद ता लग रहा है कि टा लग रहा है, हाँ तुम्हारे लिए ता, बाकी सबसे पूछो क्या लिखा है, हाँ मतलब ये सब भी ऐसे ही बनाते होंगे, हाँ ऐसे ही बनता है, किताबों में लिखा दिखा देना मुझे, ऐसा वाला ता किताबों में लिखा दिखा देना मुझे, चलो करो। मन वाचन वह होता है जो मन ही मन बोल वाचन क्रिया होती है मन वाचन में, उसे मन वाचन कहते हैं। दुर्त वाचन जो तीव्र गति से बोला जाता है उसे दुर्त वाचन कहते हैं। गंभीर वाचन वह होता है, दुर्त वाचन में ता के ऊपर रेप लगी है, क्या लिखा है पढ़ो पहले, दुर्त वाचन, जब दुर्त बोलोगे तो ताके ऊपर रेप लग जाएगी, ठीक है, इसलिए पहले तो शुद्ध उच्चारण करना सीखो, वाचन का सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि हमें शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता तो हम शुद्ध वाचन नहीं कर सकते। दुर्त वाचन वह होता है जो शीघ्रता से वाचन क्रिया, इसमें इस प्रकार के वाचन में शीघ्रता से वाचन की क्रिया होती है। गंभीर वाचन वह होता है जिसमें गंभीर विचारों पर आदि पर अनुक्रिया आदि विचारों पर क्रिया बताई जाती है, उसे गंभीर वाचन कहते हैं।